तो जो अश्विन को बिठाना चाह रहे थे, मेरे हिसाब से जो उसके 46 हैं, वो किसी सूरत में राहुल के 50 से कम नहीं थे। चार रन का फर्क आप कह सकते हैं, बट ही वॉज प्लेइंग सो वेल सो वेल, और वो आर्किटेक्ट था इंडिया की इनिंग्स जो 200 तक गई। अलग अलग किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हमारे यहाँ, जैसी कोई प्लेयर खुद भी रिटायर होता है। सबसे बड़ी खबर थी जी कि जी विराट कोहली मैच से पहले जो है आया कि जी उनको बैक स्पैज़म है और इसलिए वो खेल नहीं पाएंगे, नर्स में शायद उनको प्रॉब्लम हुई, तो दैट केम एज अ सरप्राइज एज अ शॉक। और स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली खास करके हमारे यहाँ साउथ एशिया में सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि प्लेयर्स को बड़ी मुश्किल होती है डिसीजन लेने में या रियलाइज करने में कब उनका टाइम आ गया है जाने का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा ये सोचना चाहती हूँ, ठीक है, अलग अलग किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई हमारे यहाँ, जैसी कोई प्लेयर खुद भी रिटायर होता है, पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे आके रिटायर हुए, बट लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक जो हमें पता था कि जब तक रमेश राजा चेयरमैन नहीं थे, एक छोटी सी रिफ्ट हमें दिखी बीच ही बीच में मोहम्मद हफीज़ के और रमेश राजा के बीच में, एक्सचेंज ऑफ ट्वीट्स, एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ, तो सब लोग लुक फॉरवर्ड ये कर रहे थे कि शायद जैसे ही रमेश राजा जो हैं वो चेयरमैन बनेंगे, मोहम्मद हफीज़ वुड नॉट लाइक टू बी अंडर हिम और वुड नॉट लाइक टू रिपोर्ट टू रमेश राजा। क्या ये कहीं किसी किस्म का कैटलिस्ट बना इस डिसीजन के लिए, या यू थिंक इट्स ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं, आई थिंक देखो सवेरा, वी नीड टू बी अ लिटिल फेयर हियर। आई डोंट थिंक कि रमेश के होने से ये डिसीजन आया हफीज का। आई थिंक हफीज को ये चीज क्लियर वाजे हो गई थी, क्योंकि अभी जो अगला वर्ल्ड कप है ना सवेरा, वो बहुत लंबा है। अभी मतलब इट्स इन अक्टूबर नवंबर, सो यू गॉट नियरली अ ईयर, एंड प्लस देन एक सिंपल सी बात है कि जितने T20 इंटरनेशनल हम खेलने जा रहे हैं इस साल बिफोर द वर्ल्ड कप, लाइक एशिया कप भी है, तो ऑब्वियसली बात है जो बाबर है या जो सेलेक्टर्स है, दे वुड लाइक टू यूज दोज मैचेस टू यू नो स्टार्ट प्रिपेयरिंग द न्यू प्लेयर। या देखो ये एक सवेरा एक लाइफ का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, यू नो यू नीड टू मूव ऑन, यू कांट स्टे देयर फॉरएवर। और स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली खास करके हमारे यहाँ साउथ एशिया में सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि प्लेयर्स को बड़ी मुश्किल होती है डिसीजन लेने में या रियलाइज करने में कब उनका टाइम आ गया है जाने का। आई रिमेंबर 2003 में आफ्टर द वर्ल्ड कप द वे वसीम और वकार फेड अवे हुए, मतलब बड़ा ही एक मतलब ट्रैजिक वो था, क्योंकि इतने दोनों बड़े प्लेयर्स थे हमारे। या जिस तरह शोएब अख्तर ने 2011 में वर्ल्ड कप के बाद एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया कि जी रिटायरमेंट हो रहा है, तो एटलीस्ट आई थिंक हफीज हैज सेट अ वेरी गुड प्रेसिडेंट। 55 रन और 5 विकेटें, ऐसा रहा ये दिन, सम अप करें तो जो अश्विन को बिठाना चाह रहे थे, मेरे हिसाब से जो उसके 46 हैं, वो किसी सूरत में राहुल के 50 से कम नहीं थे। चार रन का फर्क आप कह सकते हैं, बट ही वॉज प्लेइंग सो वेल सो वेल, और वो आर्किटेक्ट था इंडिया की इनिंग्स जो 200 तक गई। वो ठीक है, दो चौके एक छक्का बुमराह ने मारा और उससे ये 202 तक पहुंच गए, लेकिन रिजवान साहब फिर वही बात कि 93 रन का सेशन था, बेहतरीन थे, 146 पे 5 आउट थे, और उसके बाद ये आए हैं 56 रन पे इन्होंने 5 विकेटें पेश कर दी, तो ओवरऑल आज के दिन में 237 रन बने और 11 विकेटें गिरी। कोई शक नहीं है कि बुमराह लग रहा था लाइवली है, विकेट जरूर ली है इसने शामी ने, लेकिन 14 रन की आज पार्टनरशिप लगी है जो कि साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट हो गई है इन 3 इनिंग्स में। तो रिजवान साहब, पंत साहब ने अच्छा भला पुजारा पे पास जा रहा था कैच पीटरसन का, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने जनाब स्पॉइलर का किरदार, पहले आप अजीबोगरीब तरीके से खेले, एज पकड़ाया विकेट कीपर को, आप आउट हो गए, उसके बाद कैच जा रहा भाईजन, जाने दें उसको, क्यों आप सेंसेशनलिज्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर वहां दूसरी विकेट गिर जाती, अब यहां अगर ही कहूंगा, वैसे तो वो कैच ही था, अगर गिर जाती यू माइट नो एंड नेवर नो के 3 दूसरी के बाद तीसरी भी गिर जाती एंड में, और इंडिया का पल्ला भारी होता। एट द मोमेंट यू आर राइट,
मैच इज इवनली पॉइज्ड, ये मत देखें कि उनका 35 पे एक आउट है, आप ये देखें कि विकेट मुश्किल है। सिराज वो लिंप ऑफ होके गया, हैमस्ट्रिंग खींचा है, लेकिन आई नो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। एक ओवर और एक बॉल पहले हुआ है, रात पूरी उसको रेस्ट मिलेगा, इनके फिजियोज अच्छे हैं, वो प्रिपेयर्ड होगा होपफुली इंशाल्लाह, कल जब वो आएगा तो बेस्ट इन शेप में होगा। बॉलिंग इनकी देखो, अश्विन को बड़ा फायदा होने वाला है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ रिजवान, क्यों के बॉल थोड़ा सा जो है ना वो हमने देखा है, थोड़ा सा एक ही ओवर जरूर किया केशव ने, लेकिन बॉल थोड़ा सा हो रहा था। तो इट मींस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इफ इंडिया मैनेजेस टू सम हाउ 202 से अंदर अंदर कर ले, देखो इनकी भी शेकी बैटिंग है, यू कांट से कि दे आर स्कोरिंग लोड्स ऑफ रन्स, एल्गर खड़ा हुआ है, पीटरसन खड़ा हुआ है, बट इंडिया हैज ए वेरी वेरी क्लासिक वंडरफुल लीथल बॉलिंग अटैक थैंक्स टू पंत साहब। इट कुड हैव बीन, चले दो तो आउट होते ही ना, तीन चार को छोड़े दो तो आउट होते रिजवान हैदर साहब, और ये देखे लेस देन 2 रन एन ओवर, 18 ओवर हुए हैं, और कमाल की बात है कि ठाकुर ने एक बॉल किया सिर्फ, वो कौन सा बॉल किया, जो सिराज इंजर्ड होके बाहर चला गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, थोड़ा सा राहुल जो है चेहरे पे अपने घबराहट ना रखे, मुस्कुराहट लाए, ही स्टिल हैज 167 रन्स टू डिफेंड। आज इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शामी ने भी अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने अच्छा एक्सपेल किया, बट आई जस्ट गॉट दिस फीलिंग कि थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ था और थोड़ा सा गेंद को आगे रखना चाहिए था, तो इस पिच पे आपको थोड़ा सा लेंथ को आगे रखना पड़ेगा। बाउंस बहुत अच्छा है इस पिच के ऊपर, और इनफैक्ट जो इंडिया के शुरू के 3 बैट्समैन जो आउट हुए, अगर उनके आप डिसमिसल देखें तो दे वर ऑल आई थिंक अनटर्न बाय द बाउंस, दे डिडंट रीड द बाउंस वेल एट ऑल। तो इस पिच पे आपको बाउंस को एज अ सरप्राइज फैक्टर इस्तेमाल करना है, शॉर्ट पिच बॉल को एज अ सरप्राइज फैक्टर इस्तेमाल करना है, जैसे केएल राहुल को आउट किया गया सेटअप करके। तो आई थॉट कि थोड़ा सा आगे गेंद को अगर करते शामी बुमराह, दे वुड हैव गॉट मोर देन 1 विकेट। एक विकेट ली सिर्फ इंडिया ने, 35 फॉर 1 साउथ अफ्रीका, इंडिया गॉट 202 आफ्टर इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट। और सबसे बड़ी खबर थी जी कि जी विराट कोहली मैच से पहले जो है आया कि जी उनको बैक स्पैज़म है और इसलिए वो खेल नहीं पाएंगे, नर्स में शायद उनको प्रॉब्लम हुई, तो दैट केम एज अ सरप्राइज, एज अ शॉक। ऑब्वियसली बात है कि आपका कप्तान और आपका एक इतना मंझा हुआ बैट्समैन अगर एकदम से लास्ट मोमेंट पे पुल आउट कर जाए तो मसला हो जाता है। बातें बहुत हो रही है उसको लेकर के विराट कोहली, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं विराट कोहली के इर्द गिर्द, उसके और BCCI के दरमियान जो इस पर ताल्लुकात है, जो एक टेंशन है, दैट एड्स ओनली यू नो व्हाट यू कॉल इट एमिनेशन टू द रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस दैट आर गोइंग अराउंड।